माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को अक्षर लेखन बताऊंगी और इसमें मैं ए टू जेड सारे अल्फ़ाबेट बताऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है इसके लिए। और आप एक ही वीडियो में सारे अक्षर लेखन को आप अच्छी तरीके से कम्प्लीटली सीख पाएंगे। इसमें मैं कैसे उसको शेडो देनी है ये भी बताई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, 3.5 सेमी की ऊँचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त। फिर यहाँ पे मैंने डैश दिया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे ए टू जेड आपको बताने वाली हूँ। इसलिए लिखें, अक्षरों का कोण आधार से 90 डिग्री पर हो। ये मैं इतना लिख दी हूँ। और यहाँ पे मैं पहले से ही खाने बना ली हूँ, और खाना कैसे बनाना है ये शायद आप लोग को आ गया होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं इसकी भी वीडियो लाऊँगी। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देख लें, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आई जो है वो एक खाने में और एम और डब्ल्यू 5 खानों में लिखा जाता है। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे 4 खानों में हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पेंसिल और स्केल। अब हम अपने अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि लिखने से पहले आप अपनी पेंसिल को एक बार ज़रूर शार्प कर लेंगे, क्योंकि अगर आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प रहेगी तो आप क्लीनली लिख पाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि मैं कैसे अल्फ़ाबेट्स को लिख रही हूँ। ए के लिए 4 खाने का यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने 4 खाना गिन लिया है। और आप एक एक खाना छोड़ छोड़ करके सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे, और दोनों किनारों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक खाना छोड़ा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको भी इसी तरीके से छोड़ कर लिखना है। और यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे देखें और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। आप रफ़ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठें और इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आप इसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एक बार में नहीं आता है, 2-3 बार करिए। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनती हैं। एग्ज़ाम में आपको 2 तरीके की कॉपी मिलेगी, एक तो रोलदार होगी लाइनिंग वाली होगी और एक प्लेन कॉपी मिलेगी आपको। कॉपी क्या मिलेगी, चार्ट पेपर जैसा ही मिलेगा शीट, और उसी पर आपको अक्षर लेखन लिखना होता है। जितने भी इस तरीके से प्रकार वाले काम हैं पेंसिल वाले, वो सब आपको उसी पे करना होता है। कलर वगैरह वाला काम शीट पे करना होता है, जो प्लेन शीट मिलती है, और जो रोलदार लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है उस पे आपको लिखने वाला काम करना होता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। और जो आपको शीट मिलेगी, प्लेन शीट मिलेगी, उस पर आपको दाहिने ओर अपना रोल नंबर लिखना होता है, और टीचर से भी साइन करानी होती है जो टीचर रूम में रहते हैं। इसका आप ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम के समय। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं हिंदी की अपेक्षा। यहाँ पे आपको हर लेटर लिखने के बाद एक खाना छोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ए लिखी हूँ, उसके बाद मैं एक खाना छोड़ी हूँ, और फिर उसके बाद मैं बी लिखी हूँ। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, हर एक लेटर के बाद एक खाना आपको छोड़ना है। और जो अलग अलग वर्ड होते हैं, जैसे कि 2 अलग अलग वर्ड हैं, तो उनके लिए जैसे अलग लिखने के लिए उनके बीच में आपको 2 खाने छोड़ने होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और यहाँ पे मैं आपको शेडो भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप इसे देख लें, इसे सीखें, और फिर मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको शेडो करना बताऊँगी अल्फ़ाबेट्स के। आप ये चीज़ ध्यान दें कि मैं कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे घुमा रही हूँ पेंसिल को, कहाँ पे आपको सीधी लाइन खींचनी है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा उसे घुमाना है, अर्धचंद्राकार करना है। ये सभी चीज़ें आप ध्यान दें और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाएं। अगर आपको प्राविधिक कला से संबंधित स्मृति चित्रण, प्राकृतिक चित्रण और आलेखन भी सीखनी है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर, मैंने ये सब भी वीडियो डाल दी हैं, आप देख सकते हैं। और मैं कुछ वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। और आपको इसके अलावा भी अगर कुछ सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाकर लाऊंगी। आप लेटर्स को थोड़ा डार्क करके लिखेंगे ताकि वो अच्छे से दिखाई दें, क्योंकि नीचे हमारे खाने भी हैं, उसकी भी लाइनिंग है, तो उससे आपको डार्क लिखना है ताकि वो साफ तरीके से दिखाई दे। और आप स्वच्छता का भी ध्यान देंगे, क्योंकि इस पर भी मार्क्स मिलते हैं और स्वच्छता न रहने पर मार्क्स कटते भी हैं, तो आप इसका ज़रूर से ध्यान देंगे। और यहाँ पे देखिए मैं ई लिखने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया एक खाना छोड़ना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। जो ऊपर वाला हम लोग का ई का जो निकलने वाला भाग है वो थोड़ा सा छोटा होगा नीचे वाले की अपेक्षा। नीचे वाले के लिए हम लोग 4 खाने का यूज़ करेंगे, और ऊपर वाला जो है उसके लिए हम लोग 3.5 खाने का यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से समझ लें। और बीच वाला छोटा होगा, उसके लिए हम लोग 1.5 खाने का यूज़ करेंगे।
इसके बाद हम F लिखेंगे, F भी हमारा उसी तरीके से लिखा जाएगा, बस नीचे वाली लाइन को हमें नहीं बनाना है उसमें, और सारा जो लिखने का तरीका है वो E की तरह ही होगा। आप देख लें यहाँ पे ध्यान से, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो चारों खानों में हम लोग इसका यूज़ करेंगे जो लाइनिंग है, और इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे जी लिखना है, जी के लिए हम लोग सी जैसे हम लोग सी लिखे हैं उसी तरीके से लिखेंगे, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। आप इस तरीके से पहले सी जैसे लिखना है वैसे आप बना लीजिए उसे, और नीचे से भी वैसे ही दो खाने जो बीच के रहेंगे लाइनिंग लेकर के दोनों तरफ ऐसे हम लोग घुमा लेंगे। यहाँ पे जी कई तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मुझे ये वाला सबसे आसान लगता है, इसलिए आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोग सीख रहे हैं अभी, तो आप इसे ही सीखें, और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और हमें बहुत सी सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो इसलिए हम लोग जितना सिंपल यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा कम लाइनें खींचनी होगी उतना कम समय लगेगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से जी लिखा हुआ है, ये सुंदर भी लग रहा है और जल्दी से हो भी जाता है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे तो हो जाएगा आपका जी तैयार। अब इसके बाद हम लोग एच लिखेंगे। एच बहुत ही सिंपल है, इसमें चार खानों का यूज़ होता है, और सबसे पहले आप दोनों लास्ट के खानों में लाइन खींच लेंगे, और फिर उसके बाद वाले खाने में इस तरीके से बीच का एक खाना छोड़ करके ऊपर से और नीचे से तीनों तरफ से तीन तीन खाने लेकर के लाइन खींच लेंगे, और इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हमें जे लिखना है, जिसके लिए हम लोग चार खाने गिन लेंगे, और फिर उसके बाद जो लास्ट वाला खाना होगा वहाँ पे लाइनिंग खींच लेंगे एक खाना छोड़ करके, और इस तरीके से नीचे भी लाइन खींच लेंगे हम लोग, और यहाँ ऊपर हम लोग लाइनिंग जो खींचेंगे तो नीचे से दो खाना छोड़ देंगे, और इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं के लेटर लिखने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। तो सबसे पहले आप चार खाने गिन लेंगे, और इधर जैसे मैं लाइन खींच रही हूँ उस तरीके से खींच लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको तीन लाइन तीन खानों में ऐसे लाइन खींचनी है, और बीच वाला एक जो खाना है उसे छोड़ना है, और चौथे खाने में यहाँ पे एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, और इसे यहाँ पर मिलाना है एक खाना छोड़ करके, और उसी तरीके से हम लोग नीचे भी कर लेंगे। यहाँ पे इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट में मिला देंगे और नीचे इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो हमारा की तैयार हो जाए। आई होप कि आपको की अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे लेटर्स लिखेंगे। अब यहाँ हमें L लिखना है। L भी बहुत ही सिंपल है आई की तरीके से, हम लोग लाइन खींच लेंगे पहले, यहाँ पे नीचे एक खाना हम लोग छोड़ देंगे, और इस तरीके से लाइन खींच कर मिला करके हम यहाँ दोनों तरफ लाइन खींच देंगे, ये हमारा L रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें M लिखना है। ध्यान देंगे M हम पांच खाने में लिखते हैं, मैं आपको पहले ही बताई थी। M लिखने के लिए आप पाँच खाना गिन कर दोनों तरफ लाइनिंग खींच लेंगे पहले, और फिर नीचे ऊपर इस तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे, और फिर नीचे से चार खाना गिन करके आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और फिर यहाँ पे बीच में हम लोग लाइन खींचेंगे, और फिर इसे मिला देना है ये इस पॉइंट में और ये इस साइड वाले पॉइंट में, और दो खाना नीचे से छोड़कर आप एक पॉइंट बनाएंगे, और ऊपर से दो लाइन लाकर आप उसमें मिला देंगे। इस तरीके से एम तैयार हो गया, और यहाँ पर एन लिखना है। अब एन भी बहुत ही सिंपल है, चार खाना गिन करके दोनों तरफ आप एक एक लाइन खींच देंगी पूरी, और फिर इस जैसे हम लोग एम में किए थे उसी तरह से लाइन खींचनी है ऊपर नीचे, और अब यहाँ पे साढ़े चार खाना गिन करके आप इस साइड से नीचे की तरफ से और इस साइड से ऊपर की तरफ से गिन कर खींच लेंगे, और दोनों को मिला देंगे, ये एम रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है ओ। ओ भी सी की तरह ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपका ओ में। सबसे पहले आप चारों तरफ लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से,
और जो बीच वाली मतलब जो अंदर वाली लाइनिंग्स होंगी वो आपकी छोटी होंगी, बाहर वाले से छोटी होंगी। और इस तरीके से सबसे पहले हम लोग स्केल से जितनी लाइनिंग खींचनी है खींच लेंगे और फिर सबको मिला देंगे थोड़ा सा गोल आकार दे करके। ये वो और भी तरीके से लिखा जाता है लेकिन मैंने ये वाला तरीका ही अपनाया है क्योंकि इसमें स्केल का ज़्यादा उपयोग होगा और लाइनिंग भी आपको हाथ से कम खींचनी होगी तो ज़्यादा बेटर होगा एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे हमें पी लिखनी है तो एक साइड पूरी लाइन खींच लेंगे आप और जो इधर से चौथा वाला खाना होगा यहाँ पे आप ऊपर से दो खाना छोड़ करके फिर दो खाने में लाइनिंग लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे भी हम लोग मिला लेंगे लाइनिंग को और ऊपर भी इस तरीके से। और इधर हम लोग इसे अर्धचंद्र काट करके मिला देंगे और बीच वाले लाइनिंग के लिए इस तरीके से करेंगे। अब हमें क्यू बनाना है तो क्यू आप ओ की तरह ही बनाएंगे, जैसे हमने ओ बनाया था पहले आप उस तरीके से ओ बना लेंगे और फिर जो क्यू का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे आप देख लेंगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। नीचे का पार्ट बनाने के बाद अब हमें इसे इरेज करना है जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको, इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें आर लिखना है तो आर लिखने के लिए आप इस साइड लाइन खींच लेंगे एक खाना छोड़ करके और जैसे हम लोगों ने पी लिखा था ऊपर का पार्ट आर का उसी तरीके से होगा और नीचे थोड़ा सा चेंज होगा। आर के नीचे वाले पार्ट को बनाने के लिए आप चौथे वाले लाइन में ऐसे लाइन खींचेंगे खाने में और यहाँ पे ऐसे अर्धचंद्राकार करते हुए दोनों तरफ से मिलाएंगे और ऐसे ऐसे मिला देंगे तो आपका आर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें बनाना है एस, तो एस बनाने के लिए आप ध्यान देंगे सबसे पहले आप पॉइंट लगा लें, चार खानों के बीच की जो लाइनिंग होगी उसको पॉइंट लगा लें और नीचे से जो पॉइंट लगाया है आपने वहाँ से दो खाना ऊपर करके दोनों किनारों पे आप लाइनिंग खींच लें और इस तरीके से अर्धचंद्राकार बनाएं दो दो खानों में लेकर के इस तरीके से। जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हमें नीचे भी बनाना है। ऐसे अब आपको ऊपर वाले पार्ट्स को और नीचे वाले पार्ट को दोनों को इस तरीके से मिला देना है, ऐसे हमारा एस भी तैयार हो जाएगा। अब हमें टी लिखनी है तो टी के लिए आप चार खाने यूज़ करेंगे तो चार खानों के जो बीच वाली लाइनिंग होगी उसको आप बीच वाली लाइनिंग से आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर करके एक बिंदु लगाएंगे और लाइन खींच लेंगे और चारों खानों का यूज़ करते हुए ऊपर वाली लाइन को खींच लेंगे और इस तरीके से आपका टी तैयार हो जाएगा। यू भी सिंपल है, सबसे पहले चार खाने गिनेंगे और दोनों तरफ लाइन खींचेंगे ऐसे और नीचे हमारा जो रहेगा वो अर्धचंद्राकार में रहेगा नीचे का पार्ट। तो सबसे पहले दो जो खाने उनमें लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे आधा 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 खाना लेंगे हम और यहाँ पे इसे हम लोग अर्धचंद्राकार लाइन खींच करके मिला देंगे। यह हमारा यू भी रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे बनाना है वी। वी तो बहुत ही सिंपल है, चार खाने गिनेंगे और बीच वाली लाइन पे पॉइंट लगाएंगे और वहाँ पे लाइन खींच लेंगे और ऊपर वाली पॉइंट से इसे मिक्स कर देंगे मिला देंगे। फिर नीचे से दो खाने गिनेंगे और पॉइंट लगा लेंगे और ऊपर से हम लाइन ला करके इस पॉइंट में मिला देंगे और ऊपर ये वाली लाइनिंग खींच देंगे। अब हम यहाँ पे W लिखेंगे और W हमारे M के जस्ट उल्टा होगा। सबसे पहले हम पांच लाइनें गिन लेंगे और किनारों पर हम लाइन खींच लेंगे पूरी पूरी और फिर नीचे के पार्ट में भी लाइनिंग खींच लेंगे इस तरीके से
और फिर नीचे से तीन लाइन गिन करके, यानी कि तीन खाना गिन करके ऊपर वाले खाने पे पॉइंट लगा देंगे और इसे मिक्स कर देंगे, इसमें मिला देंगे। और फिर एक खाना छोड़ करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर लाइन खींच करके मिला देंगे। दोनों साइड हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे और फिर ये ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे और फिर इन्हें मिला देंगे। इस तरीके से हमारा डब्लू तैयार हो जाएगा। अब हमें एक्स बनाना है। एक्स के लिए भी हमें चार खानों की ज़रूरत होती है और गिन लेंगे हम खानों को पहले, और साढ़े तीन या तो तीन खाने। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ उसी तरीके से। इससे आप लाइन खींच लेंगे इस तरीके से और दोनों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे आपका एक्स तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वाई लेटर लिखेंगे, उसके लिए आप बीच में लाइनिंग खींचेंगे इस तरीके से और फिर ऊपर का एक खाना छोड़ करके आप लाइनिंग खींचेंगे, इस पॉइंट में मिला देंगे दोनों तरफ से और फिर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ऊपर और मिडिल पॉइंट में मिला देंगे। अब हम लास्ट लेटर जेड लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग चार खानों का यूज़ करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग इस तरीके से लाइनिंग खींच लेंगे और इधर से एक खाना और इधर से एक खाना ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम लोग डेढ़ खाना छोड़ करके लाइन खींचेंगे दोनों तरफ ऊपर और नीचे और एक लाइन के द्वारा हम इसे मिला देंगे। आई होप कि आपको सारे लेटर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इसकी शेडो कैसे करनी है वो बताऊंगी। शेडो बनाने के लिए आप किसी डार्क पेंसिल का यूज़ करिएगा या तो आप शेडिंग पेंसिल के भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि शेडो थोड़ा डार्क होगा तो आपकी जो अल्फ़ाबेट हैं वो अच्छे से उभर कर आएंगे और सुंदर भी लगेंगे।
आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं स्मृति चित्रण और आलेखन वगैरह भी सिखाती हूँ। और आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।